नागपुर में कल रात को करीब दो ढाई घंटे में 109 मिलीमीटर बारिश हुई है और विशेष रूप से इसमें से 90% बारिश केवल मात्र दो घंटे में हुई। इसके कारण अंबाजरी तालाब जो है इसका जो स्पिल ओवर है उसके ऊपर से पूरा पानी ओवरफ्लो के रूप में निकला और वो जो नाग नदी है उसमें से वो बहते हुए पूरा जो लो लाइंग एरिया है उस लो लाइंग एरिया में वो गया, नाग नदी हो, पीली नदी हो। और इसके कारण नागपुर के बहुत सारे इलाके में कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश के पानी से जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पानी के अंदर हम लोगों ने देखा। कई जगह पर उससे ऊपर भी पानी चला गया था, गाड़ियाँ पूरी पानी के नीचे बह रही थी, ऐसी परिस्थिति थी। जो हमारा मोरभवन का बस स्टॉप है वहाँ पर तो बसेस के ऊपर तक पानी पहुँचा था। तुरंत NDRF, SDRF और आर्मी को भी कॉल किया गया और उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ ऑपरेशन चलाया। मात्र तीन घंटे में 300-350 लोगों को रिलीव किया गया। दुर्दैव से इसमें दो लोगों की मौत हुई और तीसरी एक और बॉडी अभी आइडेंटिफाई हो रही है और 14 जानवरों की भी मौत इसमें हुई है और उनको भी मदद देने का काम अभी चल रहा है। विशेष रूप से 10,000 घरों में पानी घुसा, ऐसा एक प्राथमिक एस्टिमेट है। तो हम लोगों ने जो हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार 10,000 रुपये हम इमीडिएट जो उनका नुकसान होता है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। जहाँ दुकानों में पानी घुसा है उनको 50,000 तक हम लोग देने वाले हैं। जो छोटे स्टॉल वाले होते हैं उनको 10,000 रुपये तक की मदद ये तुरंत उनको दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास भी चल रहा है। आज रात को भी ऑरेंज अलर्ट है और आज सारी टीमें तैनात रखी हुई है। अगर किसी प्रकार से दुर्दैव से कोई डिजास्टर होता है तो उसका जान या माल को ज़्यादा खतरा न हो और उसका मिटिगेशन करके उसका सौम्यीकरण हम कैसे कर पाए इसका एक प्लान तैयार करके उस संदर्भ में भी कार्रवाई की जा रही है। सर, शहर के कई भागों में जलजमाव की स्थिति बहुत सामान्य है, कोई स्थायी ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने का कोई प्लान है? नहीं, देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो है लेकिन ये बात भी सही है कि जब इस प्रकार की बारिश होती है तो उसके लिए हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स तैयार नहीं होते क्योंकि ये 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में होने वाली बारिश है। और नॉर्मली जब ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन होती है तो उसमें आपके पिछले 10-15 सालों का, 20 सालों का जो एवरेज होता है उसमें 10% ज़्यादा पकड़ के उसका डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए जब उससे 100% ज़्यादा या 200-300% ज़्यादा बारिश होती है तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम उतने डिज़ाइन नहीं होते। लेकिन कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स जो होते हैं कि जहाँ पर इसका असर होता है उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको सुधारने का काम ये आने वाले दिनों में किया जाएगा।